प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआईएसएफ के 50वें स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में इस वक्त पहुंचे हुए, सीधा रुख कर लेते हैं, इस वक्त जवानों को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सामने उस इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करना शायद कितने ही बड़े वीआईपी के प्रोटेक्शन से लाखों गुना ज्यादा मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और आप उस इंस्टीट्यूशन की दीवारों को संभालते हैं ऐसा नहीं है, आप उसके दरवाजों पे खड़े रहते ऐसा नहीं है, आपको भारत की विकास यात्रा की सुरक्षा कर रहे हैं, आप भारत की विकास यात्रा को एक नया विश्वास देते हैं, और मेरा तो अनुभव है आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं, हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, आपको अपमानित कर देते हैं, यहां तक कहते हैं मैं देख लूंगा, आप हाथ पैर जोड़कर उनको समझाते हो साहब मेरी ड्यूटी है, लेकिन उसका तो पता नहीं, वो ऐसा वीआईपी कल्चर होता है। मैं गद्दा सुनाता हूं आपको, मैं पार्टी का काम करता था तो पूरे देश में मैं भ्रमण करता था, लगातार दौरा रहता था। एक बार हमारे एक सीनियर नेता भी मेरे साथ थे। अब हमारे देश में कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी की वजह से डबल चेक होता है, श्रीनगर है, किसी जमाने में गुवाहाटी हुआ करता था, आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे साथ जो हमारे सीनियर लीडर थे, अब वो बड़े थे, जाने माना चेहरा था, लेकिन अब जो जवान वहां खड़ा था एयरपोर्ट पे, वो उनको पहचान नहीं पाया, तो उसने उसको रोका, रोक करके उनका जैसा उनका ड्रिल होती है वो ड्रिल के अनुसार चेक करने लगा। जैसे वो चेक करता था इनका पारा गर्म हो रहा था, अंदर सीट पर बैठने के बाद भी वो पारा कम नहीं हुआ, मेरे से भी बात नहीं कर रहे थे, मैं देख रहा था क्या साइकोलॉजी है इनकी। जब अगले जगह पे हमको आ जाना था तो मैंने कहा आप आगे मत जाइए, मेरे पीछे चलिए, पहले मैं चेकिंग करवाता हूं। और मैंने क्या किया, वहां गया और आपका जवान खड़ा था वहां, हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया, और मैंने कहा अरे भाई चलो जल्दी आरती उतारो, तो उसने कहा मैं तो आपको पहचानता हूं, मैंने कहा पहचानते हो तो भी आरती नहीं उतारोगे तो जाऊंगा रही, आप वो मेटल डिटेक्टर से घुमाते हो ना। जब मैंने उनको कहा कि आप मन में क्यों लेते हो चेक करो, आप ये सोचो कोई आपकी आरती उतार रहा है, गर्व कीजिए, ये सुरक्षा के जवानों को सहयोग दीजिए, ये वीआईपी कल्चर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कभी कभी संकट पैदा हो जाता है, और इसलिए मैं आज इस जगह पे से ये कहने की हिम्मत करता हूं, क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला इंसान रहा, पद मेरी डिसिप्लिन में कभी बीच में नहीं आता है, और ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य होता है। इतना बड़ा आज आप 1.5 लाख हुए, 15 लाख भी हो जाए तो भी अगर नागरिक डिसिप्लिन में नहीं रहता है, नागरिक सहयोग नहीं करता है, तो आपका काम और मुश्किल हो जाता है, और इसलिए ये गोल्डन जुबली ईयर में हम नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित करें, नागरिकों को इतनी बड़ी व्यवस्था का महात्म्य कैसे समझाएं, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी आवश्यकता है।